चलिए क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। पढ़िए, रॉ मटेरियल एक्स कॉस्टिंग रुपीज 100 पर केजी एंड रॉ मटेरियल वाई कॉस्टिंग 60 पर केजी आर मिक्स्ड इन इक्वल प्रपोर्शंस फॉर मेकिंग प्रोडक्ट ए। चलो ठीक है, द लॉस ऑफ मटेरियल इन प्रोसेसिंग वर्क्स आउट टू 25% ऑफ, बोलो इसके बाद क्या लिखा है, ऑफ 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 द आउटपुट। तो हम लोग जब भी यहां पे मटेरियल डालेंगे ना, लॉस होएगा मटेरियल का, एंड दैट लॉस इज 25% ऑफ आउटपुट आर नॉट इनपुट। अगेन द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड एट 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, द एंड प्रोडक्ट इज प्राइस विद अ मार्जिन ऑफ 33⅓ ओवर टोटल कॉस्ट। सब लोग अभी अभी एक काम जरा करो, मेरे को बोलो तुम्हारे प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम ए, तुम्हारे रॉ मटेरियल्स का नाम क्या है एक्स एंड वाई। रॉ मटेरियल एक्स का कॉस्ट कितना है 100 पर केजी, वाई का कॉस्ट कितना है 60। ये लोग उसको मिक्स कर देता है इन इक्वल प्रपोर्शन, तो मटेरियल के बारे में बात हो गया, बाकी जो भी खर्चे हैं ना वो लोग उसको प्रोडक्शन एक्सपेंसेस बोल रहा है। आगे भी देखोगे ना उन लोगों ने लेबर के बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह वो नहीं दिया, तो शायद प्रोडक्शन एक्सपेंसेस के अंदर वो लोग लेबर भी इंक्लूड कर लेता होगा और शायद फैक्ट्री ओवरहेड्स भी इंक्लूड कर लेता होगा, क्योंकि लेबर वगैरह के बारे में उन लोगों ने आगे कुछ नहीं दिया। तो वो लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड एट 50% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो जितना भी मटेरियल कॉस्ट है उसका 50% और तुम्हारा प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, उसके बाद तो तुमको मटेरियल मिल गया, तुमको बाकी के सारे खर्चे भी मिल गए। अपना प्रोडक्ट ए जब बेचते हो ना, यू पुट अ मार्जिन ऑफ 33⅓ ओवर टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये वाला काम हो गया। आगे, मटेरियल वाई इज नॉट इजीली अवेलेबल, ओके, एंड सब्स्टिट्यूट मटेरियल जेड हैज बीन फाउंड आउट फॉर वाई कॉस्टिंग 50 पर केजी। चलो ठीक है, वो लोग क्या बोलते हैं, आजकल ना मटेरियल वाई नहीं मिल रहा, तो उसके बदले में एक नया मटेरियल अपने को वो मिल रहा है, वो मटेरियल का नाम क्या है बेटा, जेड। ठीक है, मेरे को बोलो जेड हैज बीन फाउंड आउट फॉर वाई एंड जेड कॉस्ट कितना रुपीज, तो मेरे को बोलो कि सस्ता माल कौन सा है, जेड ना। तो एक सेकेंड, जेड अगर सस्ता है तो अपने को शुरू से वो यूज करना चाहिए था, तो शुरू में हम लोग वाई यूज कर रहे थे, लेकिन अब वो लोग बोलते हैं कि जेड सस्ता है। लेकिन जो चीज सस्ती होती है ना उसकी क्वालिटी शायद घटिया हो, इसलिए शायद हम लोग वाई यूज करते थे। और ये वाला चीज ना मेरे को नेक्स्ट लाइन के ना दिखाई दे रहा है, इट इज रिक्वायर्ड टू कीप द प्रोपोर्शन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूट मटेरियल इन द मिक्सचर एज लो एज पॉसिबल एंड एट द सेम टाइम मेंटेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द एंड प्रोडक्ट एट द एग्जिस्टिंग लेवल्स एंड टू इंश्योर सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट एट इट्स प्रेजेंट। शायद जेड का जो क्वालिटी होगा ना थोड़ा सा घटिया होगा, इसलिए बोलो क्या बोलता है कि ना जेड जो है ना, जेड जो है उसका तुम लोग जो क्वांटिटी है जितना कम डालोगे उतना अपने लिए अच्छा रहेगा। तुमको समझ में आ गया, दिस गिव्स मी अ हिंट कि ना जेड का क्वालिटी थोड़ा सा घटिया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, इसका इंपैक्ट तुम्हारे सम के अंदर तो नहीं आने वाला, मैं क्वालिटी का इंपैक्ट सम के अंदर तो कैसे लाऊं यार, ओके। लेकिन उन लोगों ने एक चीज वो बोल दिया कि जेड जितना कम रखोगे उतना अच्छा है। पहले मेरे को जरा बोलो एक्स एंड वाई वर मिक्स इन व्हाट प्रोपोर्शन, इक्वली। ठीक है, लेकिन अब वो लोगों ने क्या बोला है, जेड तुम लोग कम डालना, कैन बी सी अगर जेड कम डालोगे मतलब एक्स ज्यादा डालोगे, ठीक है, तो रेशियो विल चेंज इन फेवर ऑफ एक्स, नो। ठीक है, आगे आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ मिक्स ऑफ, पढ़ो आगे ये जोर से पढ़ो, एक्स एंड जेड। मेरे को बोलो एक्स और वाई का प्रपोर्शन क्या था बेटा, इक्वल। अब तेरे को एक्स और जेड का प्रपोर्शन चाहिए, इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, चलो सुनो मेरी बात सुनो, प्रोडक्ट का नाम बताओ, प्रोडक्ट का नाम ए। सुनो मेरे को एक चीज जरा बोलना, रेशियोज डू नॉट गेट अफेक्टेड ड्यू टू हायर नंबर्स और लोअर नंबर्स, डू ऑल एग्री टू दिस? एग्जाम्पल मैं बोलूं 2 किलो और 1 किलो, इसका रेशो 2:1 है। अगर मैं 200,000 किलो और 100,000 किलो भी बोलूं, रेशो के अंदर इट इज 2:1 नो? ये मैं तुम लोगों को इसलिए वो पूछ रहा हूं क्योंकि ना मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं ऐसा सोच लेता हूं क्वांटिटी की क्यों जरूरत है जब मेरे को रेशोज ही चाहिए।
तो आप लोग क्वांटिटी कुछ भी ले लो क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए, तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। मैं कुछ भी क्वांटिटी ले रहा हूं, ठीक है, तुमको बाद में कुछ और लेकर अगर सॉल्व करने का मन हुआ तो कुछ भी लेकर सॉल्व कर लेना, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, गारंटीड बात है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। तो प्रोडक्ट ए का तुम लोग कितना यूनिट्स बनाने वाले हो मेरे को नहीं मालूम, तुम्हारी मर्जी, तुम लोग कुछ भी लिख देना। लिखो जरा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 51 लिखो। लेट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए टू बी प्रोड्यूस्ड बी एनीथिंग से डैश कीजिए। अभी डैश के अंदर तुम लोग मेरे को जो भी नंबर बोल दो, कोई लोग बोलते हैं सर वन नंबर ही ले लो, कोई बोलता है 10 ले लो, वो 100 ले लो, कोई अजीब नंबर लेगा मैं उसको बहुत मारेगा, ठीक है। मेरे को बस 100 ना एक ही रीजन की वजह से नहीं लेना, वरना जब मैं 100 लिखता हूं ना, कोई लोग सोचते हैं कि मैं ये वाला 100 लिख रहा है, इसलिए 100 मत बोल भाई, उसके अलावा तेरे को जो बोलने का है बोल दे, बोलो। चलो चलो विल टेक 10, चलो तो मेजोरिटी 10, चलो। अच्छा तो यहां पे लिखो, देयरफोर आउटपुट इज इक्वल टू 10 केजीस। अच्छा तो मेरे को जरा बोलो, इनपुट ज्यादा करना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? ज्यादा, क्योंकि सम के अंदर लॉस है ना बेटा। तो देखो, लॉस ऑफ मटेरियल इन प्रोसेसिंग वर्क्स आउट टू, बोलो 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 बोलो, टू 25% ऑफ आउटपुट। तो यहां पे लिखो लॉस, यहां पे लिखना 25% ऑफ आउटपुट। आउटपुट अगर तुम लोगों ने 10 किलो लिया तो लॉस 2.5 किलो हो जाएगा, तो इनपुट 12.5 केजीज हो जाएगा। अच्छा सुनो, अभी क्या करना, अपना जो पेज है ना बेटा, दो हिस्सों के ने डिवाइड करो अप्रोक्सीमेटली फॉर हाफ अ साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे इफ एक्स एंड वाई आर मिक्स्ड, यहां पे लिखेंगे इफ, एक मिनट मेरे को बोलो किसके सब्स्टिट्यूट में क्या आने वाला है। y के सब्स्टिट्यूट में z आने वाला है, इफ x एंड z आर मिक्स्ड। सुनो, तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, मैं क्या कर रहा हूं सुनो, उन लोगों ने ना मेरे को मटेरियल कॉस्ट दिया, लेबर कॉस्ट शायद नहीं दिया क्योंकि लेबर कॉस्ट उन लोगों ने प्रोडक्शन एक्सपेंसेस के ना इंक्लूड कर दिया। तो एक्चुअली अगर क्वेश्चन देखोगे ना, अपने पास दो ही कॉस्ट है बेटा, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, प्रॉफिट एड करके अपने को सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ना वो सेलिंग प्राइस ही निकाल रहा हूं, शायद 10 किलो ऑफ ए का, तो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो काइंड ऑफ योर कॉस्ट शीट ओनली, तो यहां पे डायरेक्ट मटेरियल लिखो, यहां पे लिखो एक्स, यहां पे लिखो वाई। अच्छा, एक्स और वाई मिलाकर रॉ मटेरियल कितना अंदर डालना पड़ेगा? 12.5 kg। अच्छा 12.5 आर मिक्स इन इक्वल प्रपोर्शन, नो? तो इक्वल प्रपोर्शन 12.5 का हाफ कर बेटा, 6.25 kg।
सुनो, अभी मेरे को जरा बोलो x का कॉस्ट कितना था, x मार्केट से खरीद के लेके आओगे एट 100, लेकिन मेरे को तो 6.25 किलो चाहिए, सो देयरफॉर उसका कॉस्ट विल बिकम 625, और यहां पे 60 रुपीज, 375 आता है, टोटल कितना आ जाता है बेटा 1000। एड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, अभी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड एट 50% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अगर कोई बोलता है सर ये लेबर वगैरह नहीं दिया हुआ तो छोड़ दो फिर, या फिर अगर है भी तो भी इसके अंदर वो डाल ही दिया, तो यहां पे लिख देना 50% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, बोले तो 1000 ना, तो 500 रुपया, और कोई कॉस्ट तो है नहीं, सो देयरफॉर दिस विल बिकम टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आ गया 1500, प्लस और क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज पढ़ो जरा 33 1/3 ओवर टोटल कॉस्ट, 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो 33 1/3 ऑफ टोटल कॉस्ट, बोले तो 1/3 ऑफ कॉस्ट ना यार, यू ऑल नो दैट नाउ, हमारा ये वाला डिबेट तो बहुत बार हो चुका है, 500 रुपया ना, तो 10 किलो ऑफ प्रोडक्ट ए का जो सेलिंग प्राइस है ना वो कितने रुपीज का है, 2000। सुनो अभी तुम लोग क्या करो, वर्ड्स ही सिर्फ लिखो, नंबर्स नहीं लिखो, डायरेक्ट मटेरियल एक्स और वाई के बदले में क्या आ जाएगा, एक्स और जेड, ठीक है। अच्छा याद रखना, अभी एक्स और वाई मिक्स होता था इक्वल प्रपोर्शन के अंदर, एक्स और जेड किस प्रपोर्शन के अंदर मिक्स होएगा, तुमको वही चाहिए, तुमको क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव समझा था क्या है कि एक्स और जेड को किस प्रपोर्शन के अंदर मिक्स करने का, तो चलो ठीक है, तो लेट एक्स एंड जेड बी मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ पी टू क्यू। अच्छा उन लोगों ने लॉस वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो शायद अभी भी लॉस उतना ही होएगा, तो 10 किलो के लिए अभी भी तुमको रॉ मटेरियल कितना डालना पड़ेगा, 12.5 किलो, कुछ और होता तो वो लोग बता देते, तो यहां पे भी लिखना 12.5 किलो, यहां पे लिख दो आगे केजीज केजीज एट द रेट ऑफ, मेरे को बोलो एक्स विल स्टिल बी परचेज एट व्हाट रेट, 100, बट दिस विल बी परचेज एट 50, तो ये आ जाएगा 100p, ये कितना आ जाएगा 50q। अच्छा टोटल अभी के लिए कुछ मत लिखना, आगे लिखो एड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस टोटल कॉस्ट एड प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, अच्छा सुनो तुम लोग ना यहां से लेके यहां तक पढ़ो और बाजू वाली कॉस्ट शीट के अंदर दो नंबर्स कॉपी करना, पढ़ो उसके बाद दो नंबर्स कॉपी करो, तुमको समझ में आ जाएगा कौन से दो नंबर, मेरे को बोलो कौन से दो नंबर कॉपी कर रहे हो, सेलिंग प्राइस एंड क्वांटम ऑफ प्रॉफिट, क्वांटम बोले तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो मेरे को ये कॉपी करना पड़ेगा, ये कॉपी करना पड़ेगा, एक मिनट, ये कॉपी किया, ये कॉपी किया, तो और क्या कॉपी कर दूं, टोटल कॉस्ट 1500, ठीक है। चलो अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरे को बोलो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस के बारे में इस पैराग्राफ के अंदर कुछ दिया है हुआ है क्या,
नहीं दिया, तो मैं तुमको दो ऑप्शन दे देता हूं, लेकिन दोनों ऑप्शन से आंसर सेम ही आएगा। कोई बोल सकता है सर नहीं दिया तो सेम ही कॉपी कर लो, ऐसे परफेक्ट, तो 500 रुपया कॉपी कर लो, नो प्रॉब्लम्स। क्यों बोलते हैं नहीं सर क्या फेंकते हो, कॉपी नहीं करने का सर ऐसा, तो क्या करने का सर, इट विल बी स्टिल 50% ऑफ मटीरियल कॉस्ट। तुमको समझा ये वाला चीज, मतलब जो रेट पहले था वही वाला रेट अभी भी होएगा सर। ओके तो चलो ठीक है वैसा कर लेंगे। तो मतलब ध्यान से सुना, दिस थिंग वी ऑल हैव डन इन कॉस्ट शीट आल्सो, मतलब दिस फिगर विल स्टिल बी 50% ऑफ दिस, इज दिस ओके? अच्छा अभी एक और लाइन बोलता हूं, इफ इट इज हाफ ऑफ दिस, कोई आगे बोलेगा? इफ इट इज हाफ ऑफ दिस इट विल बी स्टिल 1/3 ऑफ दिस, नो? करेक्ट नो? मेंटेनिंग हाफ ऑफ ऊपर वाला फिगर इज सेम एज मेंटेनिंग 1/3 ऑफ नीचे वाला फिगर, नो? समझ गया तुम लोगों को? ये फिर से बोलूं? एक मिनट कार्टून सुनो, 500 वॉज हाफ ऑफ दिस, करेक्ट? इफ इट इज हाफ ऑफ दिस इट इज 1/3 ऑफ दिस, नो? तो अब भी अगर उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, मतलब दिस, एक मैं रब करता हूं, तो अगर उन लोगों ने अभी कुछ नहीं बोला, मतलब दिस फिगर विल बी स्टिल हाफ ऑफ दिस। इफ दिस फिगर इज हाफ ऑफ दिस बोले तो दिस फिगर विल स्टिल बी 1/3 ऑफ दिस, नो? और अगर ये 1500 ही रहा, बोलो ना आगे, अगर ये 1500 ही रहा, बोलो ना आगे, तो ये वाला फिगर 500 ही रहेगा, तो ये वाला फिगर अभी भी कितना रहेगा बेटा? 1000। अच्छा तुम लोग क्या करो, क्योंकि आई ट्रस्ट यू ऑल अ लॉट, मच मोर देन मी ऑल्सो, तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस के ऊपर एक एस्ट्रिक डालो, लिखो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस विल स्टिल बी हाफ ऑफ मटेरियल और 1/3 ऑफ टोटल कॉस्ट। एक मिनट मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के ना मेरे को किस चीज की वैल्यूज निकालनी है, वो तो बोल दो मेरे को, और मेरे को पी टू क्यू का रेशो चाहिए। तुम लोग की आंखों के सामने, आंखों के सामने दो इक्वेशन आई कि नहीं आई? तो बताओ फिर, बताओ फिर, बताओ फिर, बताओ फिर, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 12.5, एक और भी बोलो, 100p प्लस 50q इज इक्वल टू 1000, नो? चलो लिखो और सॉल्व करो, शो योर ब्लैक हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स एंड सॉल्व प्लीज। p का आंसर निकालना, q का आंसर निकालना, जब ही दोनों आ जाएंगे उसके बाद ये वाला काम करना, देयरफोर p अपॉन q इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, मेरे को ये फाइनल रेशो बता देना, दैट इज माय आंसर। सॉल्व करो अपना कुछ मैथ्स तो बताओ मेरे को। थ्री इज टू टू, नो? तो एंड के अंदर लिख देना, देयरफोर पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 7.5/5 इज इक्वल टू 3:2। ये हो गया सब लोग का? मेरे को एक बार बोल देना सब लोग को इक्वेशन सॉल्व करने को आ गया? थैंक यू, ऑब्लाइज्ड, थैंक यू। सुनो, योर दिस थिंग इज ऑल डन, इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं दीज आर ऑल केप फॉर प्रैक्टिस, सो दोस क्वेश्चंस आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू कंप्लीट से ओवर नेक्स्ट वीक और सो, ठीक है?
तो एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि थोड़े से ये ज्यादा क्वेश्चन है, आई वॉन्ट कि आप लोग के आराम आराम से खत्म हो जाए, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज ऑल ओवर, विल बी मीटिंग नाउ फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अपने जो अभी इसके बाद टॉपिक्स स्टार्ट होंगे ना, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी कंटिन्यूटी ऑफ ईच अदर, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी मिस नहीं करना। वो शुरू शुरू में लगेगा कि ड्राई है, लेकिन शायद आफ्टर वन और टू लेक्चर्स ओके इल स्टार्ट टू गेन द प्रैक्टिकल पार्ट ऑल्सो। ओके, दोज आर द टॉपिक्स विच आर कनेक्टेड टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विच इज अराउंड 50% ऑफ योर पोर्शन। बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ही घुस जाते हैं। सो इफ यू नो दैट लॉट अमाउंट ऑफ योर पोर्शन इज ऑल डन जस्ट बिकॉज यू ऑल नो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। मटीरियल कॉस्टिंग एग्जाम्स के अंदर आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब 10 से 16 मार्क्स के लिए ना आए, उससे ज्यादा भी अगर आ सकता है तो आ ही जाएगा, लेकिन इतने मार्क्स के लिए तो वो आता ही आता है, ठीक है। आई एम ऑल डन नाउ, आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। You